हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ताहिर इमरान फिटनेस वर्ल्ड। बेसिकली इस चैनल पे अभी आप एक हेल्थ एंड वेलबिंग करके एक सीरीज़ देख रहे थे, जिसको कॉन्सेप्ट और लिखा था मोहम्मद सरदार शेख ने, और जिससे एडिट और शूट कर रहा हूँ मैं। तो बेसिकली आज इस पे यहाँ पे आके बोलने का मेरा मकसद ये था कि आज का जो ट्यूटोरियल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली इस ट्यूटोरियल में मोहम्मद सरदार शेख समझा रहे हैं कि बेसिकली क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है इफ़ यू स्पेंड टू मच टाइम ऑन सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। अब मैं आके क्यों ये बता रहा हूँ, बेसिकली क्या है कि हम लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं सोशल साइट्स के लिए, तो हमारी रोज़ी रोटी आप कह सकते हैं कि सोशल प्लेटफॉर्म से चलती है, तो हम यहाँ से पैसा कमाते हैं और हम भी इसके ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते, हम भी इसके ट्रैप में फंस के काफ़ी ज़्यादा टाइम इस पर स्पेंड कर लेते हैं। तो हम जैसे लोग जिनका कि रोज़ी रोटी और सारा काम धंधा इसी से चलता है, जब हम लोग फंस जाते हैं इसके ट्रैप में और बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेते हैं जितना ज़रूरी नहीं है, तो जो लोग जिनका कोई इससे काम धाम नहीं है और वो आके इस पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेते, तो उनके लिए कितना बड़ा इशू है, उनके लिए कितना बड़ा डिज़ास्टर बन सकता है। तो ये इस कदर इंपॉर्टेंट एक ट्यूटोरियल है, ये कितना ज़्यादा किसी के दिमाग को इम्पैक्ट कर सकता है। इसका अभी फ्यूचर में आप लोगों को सब समझ आ जाएगा कि ये कितना ज़्यादा प्रॉब्लम की ये बात है। तो मेरा इस ट्यूटोरियल पे आने का मकसद मोस्टली ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जितने फ्रेंड्स वगैरह देख रहे हैं, सरदार सर के क्लास के स्टूडेंट्स जितने देख रहे हैं, जो भी हमसे रिलेटेड है देख रहा है, इसको शेयर करें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम एक बहुत बड़े ट्रैप में उलझ गए हैं और ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन आगे जाके इसके कॉन्सिक्वेंसेज और सामने आएंगे। तो अब मैं आपका ज़्यादा टाइम ले लूँगा, आके आप वो ट्यूटोरियल ही देख लेते हैं। तो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड लेट्स फ्रेंड्स वॉच द वीडियो। थैंक यू सो मच। हाँ दोस्तों, मैं अपने लैपटॉप पर अपने सोशल मीडिया में मौजूद अकाउंट चेक कर रहा था। मैं भी सोशल मीडिया का यूज़ करता हूँ, रेगुलर करता हूँ, लेकिन मैंने इसमें एक लिमिट रखी है। मैं इसे इत्तेदाल के साथ में यूज़ करना पसंद करता हूँ, मैक्सिमम एक घंटा, उससे ज़्यादा मैं अपना टाइम सोशल मीडिया पर सर्फ नहीं करता। आपने सही समझा, आज का हमारा टॉपिक सोशल मीडिया पर है। दोस्तों, सोशल मीडिया आज हमारी ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है। आज की नस्ल इसके इस्तेमाल में जिस तरह हद से बढ़ती चली जा रही है, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। सोशल मीडिया से नुकसान के बारे में एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी तहकीकात सामने आई हैं, और उन सब का मुत्तफ़िका यानी यूनानिमस नतीजा ये है कि इसमें बहुत सारे रिस्क हैं, जिसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अकेलापन, सेल्फ हार्म, यहाँ तक कि सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करने से खुदकशी तक के रुझान पैदा होने लगते हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो हमारी अगली नस्ल का क्या हशर होगा। देखिए, सबसे पहला जो नुकसान इससे होता है, जब इंसान सोशल मीडिया पर ज़रूरत से ज़्यादा वक्त देने लगे तो डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी का लेवल बढ़ जाता है, और इससे आपकी खुद एतमादी यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आने लगती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आधे से एक घंटा सोशल मीडिया पर वक्त लगाना नॉर्मल है, इत्तेदाल के साथ में है, यानी मॉडरेट है। इससे ज़्यादा अगर आप वक्त देते हैं तो ये आपके लिए नुकसान का बास बन सकता है। दूसरा जो नुकसान है, जिसको आप सब लोग नोट कर रहे होंगे, कि आजकल सोशल मीडिया के ज़रिए नफ़रत का प्रचार बहुत ज़्यादा हो रहा है, नफ़रत को फ़रोग दिया जा रहा है, ख़ासतौर से हमारे मुल्क में। अगला नुकसान एक गैर फितरी तवक्कुआत कहेंगे, या जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। देखिए, सोशल मीडिया में सच्चाई जांचने की कोई मशीन या कोई आला नहीं होता है, और जितने भी सोशल मीडियाज़ होते हैं इनमें से ज़्यादातर की ऑथेंटिसिटी तो बिल्कुल मशकूक होती है, बहुत ही डाउटफुल होती है। और आम तौर पर लोग जो सोशल मीडिया पर अपने जज्बात और अपने तजुर्बात बयान करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा मुबालिगा आराई यानी एग्जेजरेशन के साथ में बयान करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि जब आप उसको पढ़ते हैं
उस पर यकीन कर लेते हैं और जब सच्चाई सामने आती है तो आपने जो तवक्कुआत उनकी एग्जरेजेशन की वजह से बांध ली है वो टूटने लगती हैं। तो कई लोग जज्बात में आ करके या तो दिमागी तौर पर टूट फूट जाते हैं या फिर कोई एक्सट्रीम स्टेप भी उठा लेते हैं। पुअर स्लीप, जो नुकसान की हम लिस्ट गिना रहे हैं उसमें अगला है पुअर स्लीप। ये सोशल मीडिया पर ज़रूरत से ज़्यादा वक्त गुजारने नींद पर आपके बुरा असर डालता है। हमारा अगला पॉइंट है एडिक्शन। अगर आप गौर करें तो पता चलेगा कि सोशल मीडिया एडिक्शन के मामले में सिगरेट और शराब से भी कहीं बढ़कर है। कई मरतबा आप सोचते हैं कि चलिए 5 से 10 मिनट मैं सोशल मीडिया पर सर्फ करूंगा, उसके बाद मेरे कई इंपॉर्टेंट काम है, मैं उसमें लग जाऊंगा। लेकिन जब एक मरतबा आप इसमें लग जाते हैं तो घंटों के बाद में आपको होश आता है, पता चलता है कि आपका 5 से 10 मिनट 2 घंटे के बराबर हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा है कि ये सेहत पर बड़ा बुरा असर पड़ता है इसका। अब सेहत पर किस तरह से बुरा असर पड़ता है कि जब आप कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर आपके ये सब अंगूठे चलते रहते हैं, उंगलियां चलती रहती हैं, जब ये लगातार घंटों घंटों तक रोज़ाना चलते रहते हैं तो आपके ये जितने जॉइंट्स होते हैं उंगलियों के और रिस्ट के अंदर जो जॉइंट्स में छोटे छोटे टेंडन्स होते हैं, इस पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है, जिसके नतीजे से टेंडन्स कई मरतबा सूज जाते हैं और इनमें स्टिफनेस भी पैदा हो जाती है। इसके अलावा जो लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल के जो स्क्रीन होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं और उसको जब आप कंटिन्यूस देखते रहते हैं तो आपकी आँखें भी ख़राब होने शुरू हो जाती हैं। इसलिए बेहतर होगा कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल एतदाल के साथ करें, यानी मॉडरेट वे में करें, ताकि इसके नुकसान से बचा जा सके। बस इसके साथ इजाज़त दीजिए, अगली मरतबा फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक्स।